हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज अनुपात समानुपात की छोटी छोटी बातों को जानते हैं। इन छोटी छोटी बातों को जान लेने से हमें इस पर आधारित बड़े बड़े क्वेश्चंस को बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। अगर इन छोटी छोटी बातों को हम नहीं जानेंगे तो हो सके परीक्षा में मेरा क्वेश्चन छूट जाए। तो चलिए आइए इन छोटी छोटी बातों को जानते हैं। ये आपके SSC बैंकिंग रेलवे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बात और बच्चों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे बल मिले। एक बात और, बेल आइकन को जरूर दबा लें क्योंकि मैं पर डे आप लोगों के लिए एक वीडियो डालता हूँ जो आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा। तो चलिए सीखिए। अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो के लिए हम देते हैं इस तरह का चिन्ह, ऊपर एक बिंदु नीचे एक बिंदु। अब प्रोपोर्शन के लिए देते हैं चार्ट को, यह आपका हो गया प्रोपोर्शन का चिन्ह। प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इक्वल टू भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको लिखा रहेगा ए रेशियो बी, इसको हम लिखेंगे ए बाय बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए बाय बी। और अगर ऐसा रहा एक्स रेशियो फोर और यहाँ इस तरह से चार को दिया है, वाई रेशियो मान लीजिए ए है, इसको कैसे लिखेंगे हम, एक्स बटे बी बराबर वाई बटे ए। इस चारों के बीच में क्या पड़ जाएगा, बराबर पड़ जाएगा। समझिए बच्चों, रेशियो रहने से ऐसे होगा, प्रोपोर्शन रहने से इस प्रकार होगा, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जटिल रेशियो। जटिल रेशियो से बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। मान लीजिए आपको दिया है ए इज टू बी, सी इज टू डी एंड ई इज टू एफ, ये आपको इस ढंग से दिया है और परीक्षा में कह देगा कि कंपाउंड रेशियो निकालें। कंपाउंड रेशियो यानी कि जटिल अनुपात निकालें, तो क्या कीजिएगा। मान लीजिए हम जटिल अनुपात निकालने नहीं जानते हैं, तब तो हम छोड़ देंगे इस तरह से। अगर हमको आता होता तो क्या करते, ये फुच से बन जाता है। क्या करते हैं, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला ऊपर लिख देते हैं और इसका दूसरा, इसका दूसरा और इसका दूसरा नीचे लिख देते हैं और काट कूट के जो आता है वही क्या होता है, आंसर होता। समझे ना, काट कूट के जो आता वही आंसर होता। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 4:6, 10:8, 9:15। तो इसका आपको CR निकालना है। CR मतलब फॉक्स मत समझिएगा, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका पहला गुना इसका पहला गुना इसका पहला, हर एक रेशियो के पहले टर्म को गुना करके ऊपर लिख दिए यानी कि न्यूमरेटर बना दिए यानी कि अंश बना दिए। नीचे क्या है, 6 इसका दूसरा, इसका दूसरा और इसका दूसरा। कटाने आता है ना, चलिए काट के लिए 4 × 8 15 और 10 है बाबू, तो 5 से काटिए, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 2 × 2 काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 यानी कि 3/3 × 6 चल काटते हैं, 3 × 3 = 6 हो गया, ठीक है ना। 1/2 यानी कि 1:2, ये आपका CR क्या निकल गया, 1:2 निकल गया, 1:2 निकल गया, ठीक है बच्चों। इसे बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, ठीक है, जटिल अनुपात। पॉज द वीडियो, डू नॉट डाउन, खाली इसे छोटी छोटी बातों को याद रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा कोई बात नहीं है। अब देखते हैं हम मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शन MP, ठीक है। तो बच्चों मान लीजिए ए एंड बी है, दो टर्म दिया है ए और बी है, इसका मध्य अनुपात निकालना है, कुछ नहीं करना है, खाली गुना कर दीजिएगा ए गुना बी, अंडर रूट ए गुना बी कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए आपका 16 है एंड 18 है, तो कुछ नहीं करेंगे, मध्य प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन 18 × 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। 16 का वर्गमूल 4 होता है ना, 18 का भी तोड़ दीजिए, 9 × 2, 9 कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 बाहर आएगा, 3 × 12 √2, 2 का नहीं निकलेगा, 2 टर्म रह गया, 12 कैसे हुआ, इसका 9 का 3 आया, 3 × 12 कर दिए। इस प्रकार आपने सीखा, इस प्रकार मध्यानुपात निकलता है, ठीक है।
मीन प्रोपोर्शन। चलिए अगला देखते हैं बच्चे, दोनों बढ़िया था, तीन में देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात या तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन TR या थर्ड रेशियो या T लिख सकते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मान लीजिए आपको A एंड B दो टर्म है, इसको हमको निकालना है तृतीय अनुपात, तो क्या करेंगे TP में या TR में जो सेकेंड टर्म दिया उसका स्क्वायर कर लीजिए और बाय में पहला टर्म को दे दीजिए। जैसे कि एग्जांपल दिए हम 10 and 40, इसका निकालना हमको तृतीय अनुपात, तो TP क्या करेंगे हम, ये 40 का स्क्वायर मतलब 40 दो बार लिखेगा, स्क्वायर करना मतलब उसी चीज को दो बार गुना करना, और बटे कितना दिए 10 दिए, 10 चौके 40, 40 गुना 4 कितना हुआ 160, ये हो गया तृतीय अनुपात। आप समझ गए इस प्रकार तृतीय अनुपात निकलता है बच्चों। चलिए मिटाते हैं, पॉज द वीडियो, डू नॉट डाउन, इन सभी बातों को आप याद करते जाइएगा ताकि आपको फायदा हो। ठीक है, अब देखिए आप द्विघाती द्विघाती अनुपात कैसे निकलते हैं, मान लिया है द्विघाती द्विघाती है ना, द्विघाती रेशियो बोलते हैं अनुपात। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट है ना, डुप्लीकेट, कुछ गलत मत सोचिएगा, ए एंड बी है, इसका हमको निकालना है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट CAT, तो कुछ नहीं करना, ये तो ए है उसको स्क्वायर दे दीजिए, ए बी है इसका स्क्वायर दे दीजिए, जो काट कूट क्या वो आंसर मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं 4 एंड मान लीजिए आपका 8 है, तो हमको क्या करना है 4 का स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर, 4 जा 16, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, काट दीजिए इसको 16 × 16 = 64, 1/4 यानी कि 1:4 का आंसर हो गया। इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम डुप्लीकेट कहते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों, ये हो गया आपका डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो। चलिए आप देखिए डुप्लीकेट हुआ तो सब डुप्लीकेट भी होता है, डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट है ना, सब डुप्लीकेट, तो सब सब डुप्लीकेट कैसे निकालेंगे, जैसे कि ए एंड बी है तो सब डुप्लीकेट रेशियो, सब का रेशियो निकालना ध्यान रखिएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ जो दिया है उस पर हम रूट दे देंगे और इस पर भी रूट दे देंगे, ये हो जाएगा आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। समझ गए बच्चों, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, सपोज एक एग्जाम्पल दिए हैं, मान लीजिए 16 and 25 है, इसका निकालना है आपको सब SR मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, ऐसा मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो, यहाँ था 16 था। ठीक है बच्चों, 16 तो क्या करेंगे √16/√25, काफी अधिक गर्मी है, वो ज्यादा पसंद चुरा रहा है, तो 16 का बजाय 4 और 25 का 5 यानी कि 4:5, 4 × 5 = 5 ये आपका सब डुप्लीकेट हो गया। ठीक है बच्चों, इन सभी बातों को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब देखिए त्रिघाती रेशियो, त्रिघाती त्रिघाती अनुपात, त्रिघात अनुपात बोलते हैं इसको, त्रिघात अनुपात, त्रिघात अनुपात, इसका त्रिघात अनुपात बोलते हैं ट्रिप्लीकेट, क्या बोलते हैं इसको ट्रिप्लीकेट रेशियो, भूलिएगा नहीं, क्या बोलते हैं इसको ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो कैसे करते हैं इसको हम, देखिए बच्चों मान ली ए एंड बी है तो ट्रिप्लीकेट में पावर खाली 3 दे देना है, ए पर 3/B/3, डुप्लीकेट में पावर 2 दिए थे, ट्रिप्लीकेट में पावर 3 देना है, बस वैसे जिस तरह स्क्वायर को किए थे उस तरह क्यूब का भी करके कटा लीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या था सब ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट तो क्या करेंगे हम क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट, ए का क्यूब रूट और बटे बी का क्यूब रूट, ए का क्यूब रूट बटे बी का क्यूब रूट। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल देख देते हैं, पॉज द वीडियो, टू नोट डाउन, देखिए मान लीजिए आपका है 27, 27 and 125 का, इसका हमको निकालना है
एस टी आर सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो क्या करेंगे हम, क्यूब रूट ऑफ 27 बाय क्यूब रूट ऑफ 125। तो 27 का कितना हो जाएगा आपका, क्यूब 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना 3 करेंगे 3 बार तब ना 27 होगा। और 125 का 5 जाएगा, क्योंकि 5 गुना 5 गुना 5 3 बार करेंगे तब क्या होगा, 125 होगा। तो ये आपका हो गया 3:5। इस पर बच्चों आप लोगों ने सीखा कि अनुपात और समानुपात में कौन कौन से प्रकार होते हैं और कैसे हम सभी को फाइंड करते हैं। तो इन सभी बातों को आप याद रखिएगा और मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन गुड बाय।